नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में रविवार सुबह दो मालगाड़ियों की टक्कर से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक टक्कर की जोरदार आवाज से ओंडा रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों की नींद खुली और वो मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने ही मालगाड़ी के लोको पायलटों की सुरक्षित बाहर निकाला। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद भी 23 दिनों में ये दूसरा रेल हादसा है। हालांकि इसमें जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि एक लोको पायलट को हल्की चोट आई है। हादसे के कारण बिजली का ओवरहेड तार टूट जाने की वजह से आदरा खड़गपुर सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही करीब 3 घंटे तक प्रभावित रही। मौके पर पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के डिवीजन सेफ्टी ऑफिसर दिवाकर माझी ने पत्रकारों को बताया, ओंडा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, पीछे से आने वाली दूसरी मालगाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। शायद सिग्नल की गड़बड़ी रही होगी। रेलवे के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ओंडा स्टेशन के लूप लाइन पर बाकुंडा से विष्णुपुर की ओर जाने वाली एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसी रूट पर पीछे से आने वाली दूसरी मालगाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाली ट्रेन का इंजन पहले वाली मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसी के साथ